ओके सो हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप के इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग। सो गाइस आप लोगों को जो भी मतलब कि यहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको वीडियो में एकदम ध्यान से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो शूट कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। बाकी चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको वीडियो का एडिट करने के लिए यहाँ पे वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको वीडियो को शूट कैसे करनी है। तो पहले गाइस मैं यहाँ पे मतलब न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ से पहले मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आपको वीडियो शूट करनी है वो मैं दिखा देता हूँ पहले ही, ठीक है। अभी गाइस देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो। तो गाइस आपको यहाँ पे तीन वीडियो शूट करनी है, जैसे कि मतलब गाइस एक पहली वीडियो ऐसी जिसमें गाइस आप झाड़ू छीनोगे और गाइस जैसे करके आप यहाँ से पार जाओगे, फिर दूसरे में आपका मॉडल जो ऐसे आएगा और देखेगा कि वो मतलब कहाँ चला गया, ठीक है। तो अभी हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो तो आप समझ ही गए होंगे कैसे शूट करनी है। अब बात आती है एडिट करने की, ठीक है। तो अब एडिट करने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट भी लेना है जिसमें गाइस आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो कैसा स्क्रीनशॉट होगा वो भी मैं आगे दिखा दूंगा आपको। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे आप झाड़ू रखोगे और नीचे बैंड होंगे वहाँ तक आपको वीडियो को स्टॉप करना है। एंड स्टॉप करने के बाद आपको ऐड वीडियो में जाना है। एंड ऐड वीडियो में जाने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें कि गाइस कुछ भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ वो स्टेबल होना चाहिए वहाँ पे एंड वो वाला स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जैसे कि गाइस यहाँ पे मैंने ये ले रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, उसको सिंपली फिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। एंड जैसे आप फिट करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे मास्क ऑप्शन मिलेगा। मास्क के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल वाला ऑप्शन लेना है। एंड इसको लेने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे छोटा करके इसको जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको झाड़ू के साइज़ के बराबर यहाँ पे रख देना है। अभी गाइस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइस इससे क्या होगा कि मतलब कि जब आपका मॉडल आगे की तरफ जाएगा तो एकदम मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपका मॉडल जो झाड़ू का यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। एंड गाइस इस पीएनजी को आपको ऐसे सेट करना है जिससे कि गाइस अब ये मतलब कि लगना नहीं चाहिए कि कोई फेक लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए गाइस मैंने झाड़ू रखा, यहाँ से मेरा मॉडल निकला, वो देखिए गाइस एकदम ऐसा लग रहा है कि मॉडल एकदम गायब हो गया मेरा वहाँ से, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है मतलब ये थोड़ा सा रोटेट नहीं है, तो अभी इसको मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ। एंड गाइस जब तक मैं इसको फिट कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हो गया गाइस इतना। अब देखिएगा यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा मॉडल गया और ये देखिए गाइस। अब एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।